है कि भारतीय सेना की औसत आयु कम हो, युवाओं की भर्ती ज़्यादा हो, और उसी दिशा में ये 1980 से बातचीत चल रही है। शेखर गुप्ता जी का अगर आप 1999 का आर्टिकल पढ़ेंगे तो उस समय मांग की थी उन्होंने, जो आज विरोध कर रहे हैं, उस समय मांग की थी कि आयु को कम किया जाए, एवरेज एज कम आए। वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। 46,000 अग्निवीर की भर्ती इस साल होगी और 21 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। अलग अलग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सॉरी, तीनों की ही इसमें भर्तियों की शुरुआत कर दी गई है और 4 साल के लिए इनको रखा जाएगा। जो एक बात उठी थी कि 21 साल वालों को 2 साल पैंडेमिक के कारण खामियाजा भुगतना ना पड़े, तो उसको बढ़ाकर हमने 23 साल 1 वर्ष के लिए कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 10% आरक्षण CAPF के लिए कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर के लिए अपने यहाँ पर रिजर्वेशन की है। इसी तरह से बाकी विभागों ने भी इनको अपने यहाँ पर रखने की प्राथमिकता देने की बात कही है। राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट हो, राज्य की सरकारें हैं, इन्होंने भी इसका स्वागत किया और अपने यहाँ पर रोजगार देने की बात कही है। आप देखिए, जितने 1 साल में अग्निवीर आएंगे उससे ज़्यादा रोजगार के अवसर देश भर में उनके लिए उपलब्ध होंगे, कॉरपोरेट जगत से लेकर बाकी भी। और जितने अग्निवीर हैं उनकी सुविधाएं जिस तरह से आम सैनिक को होती, वैसी सारी सुविधाएं उनको भी होंगी, चाहे वो वर्दी अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, साल की 30 छुट्टियां हो या मेडिकल लीव हो, ये सारी भी मिलेंगी और 4 साल में 25 लाख रुपये से ज़्यादा उनके खाते में भी आएगा। ये मोदी सरकार ने करके दिया है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है। पेंशन भी मिलेगी, बातें कही आपको, 4 साल के बाद जो लमसम पैसा मिल रहा है वो उसी का ही एक हिस्सा है। 11,41,000 रुपये 4 साल के अंत में उनको खाते में आएगा। बातें, ये सारी बातें ध्यान में रखकर जो बदलाव किए गए, जो निर्णय लिए गए, वो सब किए गए हैं। इसके आगे भी कुछ करना होगा तो सरकार सारी बातें जमीन स्तर पर क्या क्या हो रही हैं उसकी बात ले भी रही है, सुन भी रही है, उस पर विचार भी कर रही है। को लेकर जो भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कुछ विपक्षी दलों ने की, राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया, बच्चों के हाथ में झंडे और पत्थर देकर और कईयों को आगजनी करने पर मजबूर कर दिया, इनको राजनीतिक लाभ भी कभी नहीं होगा क्योंकि ये भय और भ्रम से पर्दा उठ चुका है। सेना के तीनों जवानों ने, तीनों फोर्सेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उन सब ने बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारियां, बारीकी जानकारियां भी दी और ये भी क्लियर किया है कि जो आगजनी करता है, दंगे करता है, उपद्रव करता है, उसको सेना में भर्ती में कोई स्थान नहीं मिलेगा। सर, धर्मपुर राहुल गांधी जी 60 साल तक इनकी पार्टी और परिवार ने राज किया, एक के बाद दूसरा घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप इनकी सरकारों के समय लगे, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। तो दूसरी ओर ईमानदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चली, बड़े निर्णय किए, GST के कारण आज ये लाभ हुआ है। जो टैक्स कलेक्शन कभी 1,00,000 करोड़ नहीं होती थी, वो 1,63,000 करोड़ भी हुई 1 महीने में और 1,44,000 करोड़ भी हुई और 14 महीने तक 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा GST की कलेक्शन हुई, अपने आप में दिखाता है GST कितना सफल हुआ है। दूसरा दिखाता है कि मोदी जी के निर्णय वो लंबे समय के लिए भारत के हित के लिए होते हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था आपदा के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन 195 करोड़ भारत ने लगाने का काम किया है, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम भारत ने किया है और बहुत सारी रिफॉर्म्स भारत लेकर आया। ये शायद कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी जो मोदी जी ने करके दिखाया है। सर देखिए, महाराष्ट्र में जिनके विधायक है वो इसकी जानकारी देंगे। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स TV दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।